हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी निश्रया फैमिली में। आज निश्रया एंड जायका में बन रही हैं ढेर सारी अलग अलग तरह की चॉकलेट रेसिपीज, जिनमें हम यूज करेंगे चॉकलेट, कोकोनट और न्यूटेला, और बनाएंगे इनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में ट्रफल्स। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपाउंड चॉकलेट्स को मेल्ट करने से। तो चॉकलेट्स को हम मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर में। तो पहले हम ले रहे हैं वाइट कंपाउंड चॉकलेट 3/4 कप। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके चंक्स तैयार कर लिए हैं। अब इसे डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक बड़े बोल में लेंगे गरम पानी और उसके ऊपर चॉकलेट चंक्स के बोल को रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट करें और चॉकलेट्स का बोल पानी को टच नहीं हो। अब इन्हें हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। फिर 5 मिनट बाद में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं चॉकलेट्स मेल्ट होनी शुरू हो गई हैं। इसे मिक्स करेंगे जब तक कि सारे चंक्स मेल्ट ना हो जाएं। तो अब चॉकलेट चंक्स मेल्ट हो गए हैं। अब इसी तरह से डार्क चॉकलेट को भी हम मेल्ट करेंगे। तो आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो चॉकलेट लें, छोटे छोटे पीसेस में कट करें और इसी तरह से डबल बॉयलर में मेल्ट कर लें। अगर आप डबल बॉयलर में मेल्ट नहीं करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मेल्ट करने का तरीका ये होता है कि चॉकलेट चंक्स को एक बोल में लेकर के जो माइक्रोवेव सेफ हो, इसे माइक्रोवेव में रखें 10 सेकंड के लिए, माइक्रोवेव करें, फिर माइक्रोवेव से बाहर निकालें, चॉकलेट चंक्स को एक बार स्टर करें और फिर माइक्रोवेव में रखें अगले 10 सेकंड के लिए। 2 बार 10-10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें और फिर बाहर निकाल करके एक बार चलाएं, और अगली बार जब माइक्रोवेव करेंगे तो 5-5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें जब तक कि चॉकलेट चंक्स पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाएं। तो चलिए डार्क चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है, इसको एक साइड में रख देते हैं। अब एक बोल में लेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसमें मिलाएंगे मेल्टेड वाइट चॉकलेट और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लें और इस तरह से गोल ट्रफल्स बना लें। और अगर ट्रफल्स बनाते टाइम आपको लगता है कि मिक्सचर थोड़ा लूज है, इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और डालना चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और मिला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो इसमें आप मेल्टेड वाइट चॉकलेट थोड़ी और मिला सकते हैं। तो लीजिए, ये एक तरह के वाइट ट्रफल्स बन करके तैयार हैं। इसमें आप थोड़ा सा एक वेरिएशन भी कर सकते हैं। इस मिक्सचर में थोड़े से पिस्ता डालें, अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इस पिस्ता कॉम्बिनेशंस में ट्रफल्स बना लें। ये दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं न्यूटेला और न्यूटेला से ट्रफल्स बनाते हैं। तो एक बोल में हमने 2 टेबलस्पून न्यूटेला लिया, इसमें डालेंगे 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और डेसिकेटेड कोकोनट डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और ट्रफल्स बना लेंगे। अगेन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर मिक्सचर थोड़ा सा लूज लगे तो इसमें कोकोनट और मिक्स कर लें, और अगर ये थोड़ा ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा न्यूटेला और ऐड कर लें। और इस तरह से ट्रफल्स बना करके तैयार कर लें। इन ट्रफल्स को आप ऐसे भी काम में ले सकते हैं और इन्हें थोड़ा सा एक फिनिशिंग टच देने के लिए डार्क चॉकलेट में कोट भी कर सकते हैं। तो इन्हें डार्क चॉकलेट में डालें और फिर निकालें, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको पूरी तरह से ड्रिप हो जाने दें और फिर बहुत ही आहिस्ता से
इन ट्रफल्स को एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखें और सभी ट्रफल्स को पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखने के बाद में इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें और फिर 5 मिनट बाद निकाल लें। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में भर करके इनके ऊपर इस तरह से डिजाइन भी बना सकते हैं। तो ये हुआ दूसरे तरह से न्यूटेला ट्रफल्स तैयार। अब हम एक और तरीके से न्यूटेला ट्रफल्स बनाएंगे जिसमें हम व्हाइट चॉकलेट मिक्स को भी काम में लेंगे। तो इसमें हम न्यूटेला ट्रफल्स को व्हाइट चॉकलेट और कोकोनट के मिक्सचर से कवर करके ट्रफल्स बनाएंगे। तो इन्हें आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं और एक ट्विस्ट और ऐड कर सकते हैं, इन्हें मेल्टेड चॉकलेट से कोट कर लें। चॉकलेट पूरी तरह से कोट हो जाएगी तो एक्सेस चॉकलेट को ड्रिप होने देंगे और फिर इन्हें भी एक धीरे से पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखेंगे और फिर 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख करके निकाल लें। फिर मेल्टेड चॉकलेट से ऊपर डिजाइन्स बना लें। अब बनाते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी चॉकलेट रेसिपी जो बहुत यूनिक है। तो इस रेसिपी के लिए हम लेंगे कुछ क्रेग्स एग बिस्किट्स, क्योंकि इनका टेस्ट होता है थोड़ा मीठा थोड़ा सॉल्टी, तो क्रेग्स एग बिस्किट इसके लिए परफेक्ट है। और साथ ही लेंगे न्यूटेला मिक्स। तो न्यूटेला मिक्स में हम एक दो चम्मच न्यूटेला और मिला लेंगे ताकि इसकी स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जिसे बिस्किट्स पे इजीली स्प्रेड किया जा सकेगा। और इसके साथ में व्हाइट चॉकलेट और कोकोनट मिक्स भी लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें भी एक दो चम्मच दूध की मिला लेंगे ताकि इसको भी आसानी से स्प्रेड किया जा सके और ये बिस्किट्स पे इजीली चिपक भी जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिस्किट ट्रफल्स बनाना। तो पहले एक बिस्किट लें, उसके ऊपर न्यूटेला मिक्स को स्प्रेड कर लें, फिर इसे दूसरे बिस्किट से कवर करें। इसके ऊपर फिर व्हाइट मिक्स स्प्रेड करें और फिर बिस्किट से कवर कर दें। अब इस बिस्किट सैंडविच को मेल्टेड चॉकलेट में डालें और चॉकलेट से कोट कर लें। जो एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी उसको ड्रिप हो जाने दें। फिर पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखें और फिर इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख करके निकाल लें। और फिर आप चाहें तो ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट से डिजाइन बना सकते हैं। और हो गए टेस्टी डिलीशियस सैंडविच ट्रफल्स रेडी। तो हमने बनाए न्यूटेला ट्रफल्स, चॉकलेट कोटेड न्यूटेला ट्रफल्स, व्हाइट ट्रफल्स, चॉकलेट पिस्ता ट्रफल्स, देन चॉकलेट कोटेड पिस्ता ट्रफल्स, और उसके बाद हमने बनाए न्यूटेला स्टफ्ड व्हाइट चॉकलेट ट्रफल्स, देन न्यूटेला स्टफ्ड चॉकलेट कोटेड ट्रफल्स, और फाइनली सैंडविच ट्रफल्स। तो इतने सारे वेरिएशंस आप कर सकते हैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, चॉकलेट कोकोनट और न्यूटेला से। तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और निश्रया ग्रुप के सदस्य बनने के लिए हमारे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।